बनाने जा रहे हैं अटेंडेंस शीट, ठीक है। ये देखिए एक अटेंडेंस शीट मैंने बनाई हुई है ताकि आपको दिखा सकें कि ये कैसे बनी है और इसमें कैसे काम होगा, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले ये अटेंडेंस शीट आ गया, यहाँ पे मंथ आ रहा है आपका। यहाँ से देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट पे जैसे मैं जुलाई पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी शीट आपकी चेंज हो गई, और जहाँ जहाँ इतवार आ रहा है वहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सितंबर करूँगा तो सितंबर में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से जो है वो ईयर चेंज करूँ तो ये ईयर भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये ईयर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, जुलाई आ गया, सितंबर आ गया। तो ये चीज़ें मैं जैसे करूँगा तो ये आपकी चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेज आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको डेट भी दिखा रहा है कि नवंबर कितने का है। अगर मैं इसको फरवरी कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए फरवरी आ गया, 1 फरवरी से 28 फरवरी, और यहाँ पर भी आपको देखिए 28 से आगे डेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको सारे फंक्शन को हम कैसे जो है वो करेंगे, अभी हम इसको करने की तैयारी करते हैं, ठीक है। मैं न्यू कर लेता हूँ। नोट करते जाएं चीज़ों को कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया, अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ तक ले आया, चलें इसको मैं फिलहाल नहीं लिया था, बाद में ले आऊँगा। यहाँ पर मैंने रख दिया मंथ, कॉलन दे दिया, ठीक है, और ईयर कॉलन दे दिया। अब यहाँ पर मैं रखूँगा, अच्छा यहाँ से मैं ले लूँगा दूसरी शीट। दूसरी शीट में मैं टाइप करूँगा जनवरी, और यहाँ से देखें इसको मैं ड्रैग करके ये पूरे मंथ यहाँ दिसंबर तक ले आऊँगा। अब मैं दोबारा पहली शीट पे जाऊँगा, यहाँ पर ये मेरा सेल रखा हुआ है, ठीक है। सेल रखे होने के बाद मैं यहाँ से देखें जाऊँगा डेटा पर, कहाँ पर, डेटा पे जाऊँगा। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ आएगी, डेटा वैलिडेशन। क्या आएगी? डेटा वैलिडेशन। जो चीज़ें लिखनी है उनको भी जल्दी जल्दी लिख लें। डेटा वैलिडेशन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा सेटिंग के अंदर। यहाँ से देखें जो अलाउ आ रहा है, यहाँ से मैं लूँगा लिस्ट। क्या करूँगा? लिस्ट लूँगा। यहाँ से सोर्स पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से आ जाऊँगा दूसरी नंबर शीट पे, और ये जो मेरे मंथ्स हैं इनको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये मंथ की लिस्ट आ गई। क्या आ गया? मंथ की लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा एयर पे, और मैं दोबारा जाऊँगा डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से लिस्ट, और यहाँ पर मैं खुद से भी टाइप कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर 2020, 2021, 2022, तीन ईयर्स मैंने दे दिए, और इसको भी मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट भी आ गई, 2020, 2021, इस तरीके से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप इसकी लिस्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर एफ में, किसी भी सेल पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगाऊँगा मैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला? इक्वल डेट वैल्यू, क्या? डेट वैल्यू
ठीक है, ब्रैकेट शुरू, डबल कोटेशन वन, डबल कोटेशन बंद। अब यहां पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, किसको, जो मंथ आ रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ यहां पे पहले आएगा एंड का साइन, क्या आएगा, एंड का साइन, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा इस मंथ पे, फिर आएगा एंड का साइन, फिर मैं क्लिक करूंगा ईयर पे, ठीक है। और अब मैं इसको ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और यहां पर कर दूंगा इंटर। अब देखिए यहां पर आ गया नंबर, ठीक है, डेट नहीं आ रही। मैं सिंपल जो है वो इस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद डेट, ठीक है, और यहां से डेट की कोई भी फॉर्मेट ले लूंगा, जैसे ये 14 मार्च आ रहा है। अब देखिए आपको बता रहा है 1 अगस्त 2022, क्योंकि यहां से मैंने 2022 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर 21 करूंगा तो 21 का अगस्त आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दे दूंगा 2 के 1 अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त। अब यहां पे क्या फार्मूला लगेगा, यहां लगेगा जी ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ब्रैकेट शुरू, और इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा और दे दूंगा 0। 0 देने के बाद मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और यहां से कर दूंगा इंटर। यहां भी नंबर आ गया। अब इस पर क्लिक करके मैं होम पे चला जाऊंगा, बार बार सेल चेंज करने के मैं इसको फॉर्मेट पेंटर करके इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये भी देखें चेंज होके आ गया। अब ये 31 का जो है वो महीना है, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपल रख दूंगा जी सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, फादर नेम। अब यहाँ पे अटेंडेंस डेट, आगे जो है वो डेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं एक कॉलम छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ मैंने इसको, आप डायरेक्ट कंट्रोल इंटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं शिफ्ट के साथ करूँगा। यहाँ पे देखें मैं रखूँगा इक्वल, इक्वल प्रेस करने के बाद मैं आ जाऊंगा इस सेल पे, किस पे, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर डेट क्या आ रही है, 1 अगस्त आ रही है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाकर इस कस्टम कर दूंगा इसको, या डेट में जाकर मैं इसे सिंपल, सॉरी, कस्टम में जाकर नहीं आ रहा, ये यहाँ पे आना चाहिए लेकिन ये नहीं आ रहा, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं आ रहा। दोबारा इसको देखते हैं, फॉर्मेट सेल, कस्टम,
अच्छा यहाँ पे टाइप जो है मैं सिर्फ रख दूंगा डीडी, क्या रख दूंगा डीडी। अब यहाँ पे सिर्फ आ जाएगी डेट, क्या आ जाएगी सिर्फ डेट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रखूँगा सेल को, अब देखिए यहाँ पर लगेगा आपका फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा, इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू, ये सेल को हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, F9 सेल है, ठीक है, F9 लेस देन ये वाला जो सेल है जो एंड ऑफ डेट है मंथ की, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा, दोबारा हम जो है वो इस पर क्लिक करेंगे F9 पे, और इस पर हम जो है वो कर देंगे +1, ठीक है, +1 के बाद कॉमा, और यहाँ पर दे देंगे डबल कोटेशन खाली, और इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। आ रहा समझ में, देख एंटर करेंगे यहाँ पे भी आ गया, इसको मैंने कॉपी किया फॉर्मेट, और यहाँ से मैं इस पर ये देखें अब 2 तारीख आ गई। अब यहाँ पर दोबारा मैं एक चीज़ करूँगा, F2 करूँगा, और ये बिल्कुल ये जो I6 लिखा हुआ है इस पर मैं बीच में क्लिक करके F4 का बटन दबाऊंगा तो ये सेल यहाँ पर लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉक करने के बाद होगा ये कि अब आप इसको जैसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये आपके पास आगे डेट लाता जाएगा, ठीक है। हम ले आते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से देखें इनको, ऊपर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सबको, यहाँ तक मैंने इनको सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर दूँगा ताकि ये मुझे नज़र आए, ठीक है। अब इनको मैं जो है वो यहाँ से मर्ज करके डेट ला सकता हूँ, ये देखें, ठीक है जी, इनको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ी साइज़ बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया, और इसका कलर मैंने कर दिया ब्लू, और सॉरी इसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ये वाला येलो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि आया होगा, इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, सेम यही चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लाने हैं डेज, क्या लाने हैं, अब ये तो तारीखें आ गई, अब तारीखें आ गई, तारीखें चेंज भी होंगी, अगर यहाँ से मंथ में चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी तारीखें चेंज हो रही हैं, मंथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर ईयर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको 2021 ही रखते हैं, और इसको हम बल्कि नवंबर ही कर देते हैं जो महीना चल रहा है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी जो है वो डेट्स हमारे सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं रखूँगा इसको इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू, ठीक है, ब्रैकेट शुरू होने के बाद मैं ये सेल ले लूँगा, और सेल लेने के बाद कॉमा डबल कोटेशन DDD, 3 दफ़ा D आपने प्रेस करना है, और इस ब्रैकेट को बंद कर देना है। जैसे एंटर करूँगा देखें ये आपका 1 नवंबर मंडे का दिन आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं सिर्फ यहाँ से पकड़ कर मैं ड्रैग कर दूँगा यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपके सारे दिन आ गए,
यहाँ से मैं इनको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, टेक्स्ट अप कर दूंगा ताकि ये चीज़ें मुझे नज़र आएं, थोड़ी सी मैं साइज़ बढ़ा दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है जी, नज़र आ रहा है सबको? ये आपका पूरे मंथ की चीज़ें बन गई। इनका भी मैं कलर और बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। अब यहाँ से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और मैं इनको दे देता हूँ बॉर्डर। क्या देता हूँ? बॉर्डर दे दिया। यहाँ से इनको भी बॉर्डर दे दिया। ठीक है जी, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ ताकि ये बराबर रहे। अब इसी सेल पे मैं रखूँगा। अब मैं ये नोट करूँगा कि जहाँ जहाँ पर संडे हो वो जो रो है वो मेरी, वो जो कॉलम है मेरा रेड हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पहले सेल पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैं जाऊँगा न्यू रूल। कहाँ पे जाऊँगा? न्यू रूल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखें लास्ट ये आ रहा है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ पर करूँगा इक्वल। क्या करूँगा? इक्वल करूँगा। इक्वल करने के बाद मैं दे दूँगा ये सेल मंडे वाला। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको मैं दे दूँगा इक्वल, इक्वल कोटेशन संडे कोटेशन ऑफ। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पहला, ये चीज़ें नोट करने की हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं। ये जो पहला डॉलर का साइन आ रहा है, ये जो पहला डॉलर का साइन आ रहा है, इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद मैं जाऊंगा फॉर्मेट पे। कहाँ जाऊंगा? फॉर्मेट पे। यहाँ से टेक्स्ट का कलर मैं कर दूंगा वाइट और फिल कलर मैं कर दूंगा रेड। ठीक है, ओके कर दूंगा इसको। अब ये फॉर्मेटिंग आ गई यहाँ पे, जैसे मैंने ओके किया। अब इसको मैं करूँगा ड्रैग यहाँ से। क्या करूँगा? ड्रैग करूँगा बिल्कुल लास्ट तक। देखिए जहाँ जहाँ संडे आ रहा है वो रो आपकी रेड हो गई। इसको मैं नीचे भी ले आऊँगा। ठीक है जी, ये आपका फार्मूला यहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई। अब आप इसमें पी लिखते जाएं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि संडे पे पी भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा काम कर लेता हूँ कि संडे वाला पी लिखा ही ना जाए, कि अगर मैं संडे पे गलती से भी इंट्री करने जाऊँ तो मेरी इंट्री वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, मैं इनको हटा दूँगा। यहाँ पहले सेल में मैं आ गया। ठीक है, पहले सेल में आने के बाद मैं जाऊंगा डेटा में। डेटा में आपके पास है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे अलाउ पे मैं जाऊंगा कस्टम में। कहाँ जाऊंगा? कस्टम पे जाऊंगा। और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर मैं रखूँगा इक्वल, प्रेस करूँगा और इस सेल को ले लूँगा। ठीक है, इस सेल को लेने के बाद मैं दे दूँगा ये लेस देन ग्रेटर देन कोटेशन संडे एंड कोटेशन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ से ये देने के बाद मैं यहाँ इसके बीच में F10 के बीच में क्लिक करूँगा। ठीक है, F10 के बीच में क्लिक करूँगा और डॉलर का साइन दे दूँगा। क्या दे दूँगा? डॉलर का साइन देकर इसको मैं क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एरर अलर्ट पे। कहाँ पर? एरर अलर्ट पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा इनवैलिड, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज टाइप कर दूँगा
संडे इज ऑफ, ठीक है, संडे इज ऑफ, इसको मैं कर दूंगा ओके। यहां से इसको मैं दोबारा ड्रैग करूंगा ताकि फार्मूला पूरी मेरी शीट पे आ जाए, और यहां से लेकर यहां तक मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं संडे पे पी लिखता हूं, इंटर करता हूं, तो क्या हुआ, मेरे पास एरर आ गया कि संडे इज ऑफ। अब मैं कहीं और एंट्री करता हूं, देखें ये पी, ये ए, ये पी, ये ए, पी पी पी, संडे में एंट्री आएगी नहीं, ठीक है जी। यहाँ तक आगे समझ में, इसको मैंने कैंसिल किया, देखें। अच्छा, अब मज़ीद एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं हाज़िरी लगा देता हूँ, संडे पे चला गया, तो देखें इसने डायरेक्ट जो है वो मैसेज दे दिया। अब यहाँ पर हमने इनको काउंट करना है कि आया कितनी जो है वो हाजिरियाँ लगी हुई हैं, कितना एब्सेंट लगा हुआ है, ठीक है। टोटल, सॉरी, टोटल प्रेजेंट, ये इसी दो सेल को मैं मिला देता हूँ। होम पे जाकर मैंने इनको मर्ज कर दिया और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एब्सेंस, टोटल एब्सेंस, ठीक है। इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ, और इन दोनों को मैं यहाँ से ये और ये कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि ये भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर रखूँगा इक्वल, ठीक है, इक्वल के बाद इफ़ का फार्मूला लगाऊँगा, इक्वल काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से मैं दे दूंगा रेंज, क्या दे दूंगा, ये देखें इनको मैं सबको दे देता हूँ रेंज, रेंज दे दी, ठीक है। रेंज देने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इसके फार्मूला में, कॉमा डबल कोटेशन पी डबल कोटेशन ऑफ ब्रैकेट बंद ओके। अब इसने मुझे बताया कि टोटल पी जो है वो 24 हैं, क्योंकि 30 में से चार तो ऑलरेडी इतवार कट गए, 26 हो गए, तो यहाँ पर अब एब्सेंट कितने आ रहे हैं, मैं इसी फॉर्मूले को जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, और यहाँ पर बजाय पी के मैं ए कर दूँगा, तो मुझे बताया गया कि जी 26 में से 24 हाजिरियाँ थी और दो जो है वो एब्सेंट रहा है, ठीक है जी, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ अब चीज़ों को, देखें सबसे पहले तो हम जैसे यहाँ से मंथ चेंज करेंगे, अगस्त लाया, यहाँ पे ये संडे वनडे चेंज हो गया आपके, ठीक है, क्या हो गया, संडे चेंज हो गया, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इसलिए वो उस पर ऊपर जो है वो नहीं कर रहा अप्लाई, लेकिन अगर आप खुद से करने जाओगे तो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से हुई पड़ी थी। जैसे आप ईयर चेंज करते हो, 2022 करोगे, 2022 का अगस्त अलग आ जाएगा, जनवरी में जाओगे, फरवरी में जाके देखते हैं जी 2022 का फरवरी, और यहाँ से देखिए ये फरवरी के संडेज भी चेंज हो गए, और यहाँ पर आपको ये टोटल डेज 28 बता रहा है, क्या बता रहा है, 28 बता रहा है, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा जो है वो खाली कर लें, खाली करने के बाद दोबारा एंट्रियाँ करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे काउंट भी सही आएगा। आगे समझ में यहाँ तक या नहीं आया,
मेरे ख्याल में तो ऊपर ऊपर से गुजर गया। ये देखें, अब मैं इसको छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ कि अब आपकी शीट कैसे काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया, जुलाई पे आ गया, ये संडेज चेंज हो गए, एयर मैंने चेंज किया तो एयर के हिसाब से मंथ चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से इस अटेंडेंस शीट को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि एक्स कर लेता हूँ, यहाँ से रख के मैं वी कर देता हूँ और यहाँ तक मैं इसको जो है वो मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूँगा और इसको भी मैं ये जो है वो बना देता हूँ। और इस तरीके से ये आपकी एक छोटी सी अटेंडेंस शीट बन गई ऑटोमेटिक काम करने के लिए। आप किसी भी ऑफिस में बना के रख सकते हैं, या अगर आपने इस पर काम नहीं भी करना तो प्रिंट करके आप उसकी चीज़ें जो है वो निकाल सकते हैं। जी, आगे समझ में?